तो कल का जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड रास्ते में आइस क्यूब्स टाइप ओले जिनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ओले गिरने लगे एंड जो रास्ता था आगे ही बहुत पूरी तरह गीले हो चुके थे, पूरी तरह बारिश हो रही थी और उसके बाद रोड पूरा वाइट हो गया। तो जहाँ मेरी बाइक 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड में जा रही थी वहाँ जा रही थी सिर्फ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा एडवेंचर मैंने कभी भी नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था मेरे लिए भी। तो देख लीजिए अभी इनर डाला हुआ है और ये पजामा मांग के डाला हुआ है, तो बाकी सब कुछ गीला है, तो जो बाकी सामान है वो अभी सूखने के लिए रखा हुआ है। तो आज का यही प्लान है कि कपड़े सूख जाएँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कपड़े सूखे हुए, कपड़े सुखाने के लिए जो रखे हुए हैं। एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। और ये रहा जो पीछे का व्यू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ टाटा। ये रही मेरी जैकेट, ये पूरी नीचे से ये देखो ये पूरा हिस्सा गीला हो चुका है। ये रहे बाकी कपड़े, वार्मर्स वगैरह। ये रहे मेरे शूज़, ये भी पूरी तरह गीले हो चुके थे। और इसके बाद एट द एंड ये रहे मेरे गियर्स, ये सब कुछ भी, ये रही हेलमेट, सब कुछ गीला हो चुका था। तो यही खबर थी आज की। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिरता है। तो इसी के साथ सी यू टाटा। गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27 नवंबर 2019 और टाइम हुआ है सुबह के बजे हैं 6। तो अभी मैं पहुंचा हूं अखनूर रोड पे। तो अखनूर रोड से अभी जो डिस्टेंस है रजौरी का वो मे बी 200 किलोमीटर अराउंड होगा। तो ये विंटर की राइड है तो ठंड बहुत ज़्यादा थी सुबह सुबह एंड 6 बजे अभी सूरज निकला भी नहीं था। सूरज के बिना तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है एंड आई फॉरगेट टू कैरी माई रेनकोट। तो मुझे लगता है कि बारिश वाला मूड तो था पर मैंने रेनकोट नहीं लिया था, तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी पता नहीं, पर अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम फुली एनर्जाइज हैं अपनी राइड के लिए, तो अभी हम लोग करते हैं कंटिन्यू अपनी राइड को। एंड फाइनली वी हैव एंटर दिस लैंडस्केप और अब सब कुछ चेंज हो चुका है, रास्ता बिल्कुल चेंज है, कर्व्स और वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप श्रीनगर वगैरह कहीं भी जाना चाहते हैं आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आपको ज़रूर आना चाहिए इस तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड द रोड्स और आई से गुड, नॉट वेरी गुड बट गुड। सो फाइनली अभी कर्व वाला रोड स्टार्ट हो चुका है और ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि प्लेन रोड पे चला चलाते मैं बोर हो जाता हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल लेस क्राउड है, पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा कम लोग जा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि मे भी मुझे लगता है बर्फ़ पड़ी होगी। और अगर आप कभी जम्मू आएँ और आप श्रीनगर की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे तो श्रीनगर वाला रूट नगरोटा की तरफ से भी जहाँ से जाते हैं हाईवे से, पर ये रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो ये रूट पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ये कर्व्स बहुत ज़्यादा सही हैं। तो इसी के बाद हम लोग पहुँचेंगे मेरे मे भी बालता के पास।
पर अभी हम लोग आज जा रहे हैं रजौरी वाली तरफ। प्लान बहुत सारे हैं, अभी आपको आगे आस्ता आस्ता पता लगेंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बालता। बालता में ये व्यू है जो तो मुझे लग रहा है ठंड की वजह से जो फॉग है ये नीचे से ऊपर उठ रही है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। तो इसके बाद हम करते हैं राइड कंटिन्यू एंड व्यू कंटिन्यू पर। जा बाबा महाराज आशीर्वाद देना। रास्ते में मुश्किलें आ गई थी और अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और ये कब्ज हमें अस्पताले चलेंगे। ओ ट्रक को क्या हो गया ये, मैं बारिश तेज हो रही है। ओह बारिश वाले दिनों में हम लोग निकले हैं टूर पे और हमारे पास एक सबसे मुश्किल चीज हमारे पास जो है, हमारे पास बरसाती नहीं है, रेनकोट नहीं है। ये गलती कर दी मैंने और इस वजह से अब लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है वो भी काफी। ओह ये ब्यूटीफुल व्यू, आई होप कि आप ये वीडियो देखें और आप यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत सही एरिया है एंड बारिश भी काफ़ी हो रही है, लैंडस्लाइड भी हो रही है और काफ़ी चिक्कड़ वगैरह बना हुआ रास्ते में। आई होप कि ये बारिश बंद हो जाए प्लीज़, तो हम लोग आराम से पहुंच सके। और सुबह के निकले हुए हैं, अभी तक बीच में रुके हैं सिर्फ वीडियो के लिए, अभी खाया वगैरह भी कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट भी करना है। बट जो हमारी डेस्टिनेशन है उसके लिए ये सब वर्थ है क्योंकि हम जाना चाहते हैं वहाँ पे लेजेंडरी रोड। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सुंदरबनी। रास्ता है में काफ़ी स्लिप है पर रास्ता बहुत सुंदर है, मज़ा आ रहा है एंड आई एम गोइंग लविंग इट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्लीन सुंदरबनी, ग्रीन सुंदरबनी, इसका नाम ही सुंदरबन है, ये सुंदरबन के जंगल इसमें ही हैं। रास्ता काफ़ी साफ है और मेरे पीछे वाला जो मेरा पिलोन है वो सिंगर बना हुआ है। आई एम लविंग द रोड, रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा 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 है। उन केड़े पास से, उन केड़े पास से जाना। हमने जाना जनावली। अंकल ये जनावली का रास्ता किधर है? जनावली हाँ, जनेवाली ऐसे कुछ नाम था। और जो मुगल रोड की तरफ जाता है ना रास्ता, ये जाता है, ये तो इधर जाता है ना, मुशारा ही जाता है लेकिन ये बीच में से जाता है। अच्छा बीच में से जाता है। रजौरी जाना, यहाँ पहुँचे आना रजौरी, ये यही है। जनाली 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 जनाली, ठीक है अंकल जी शुक्रिया। बाबा सर बताना जरूरी है, बाल जरूरी है, जरा उतार दे। अरे
हेलो फ्रेंड्स, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो वाटरप्रूफ कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो बड़ी ज़्यादा होने के बाद हम रुके हैं साइड पे और हमारे भाई ने जो हमारे भाई हैं उन्होंने बनाई है हमारे लिए मैगी। तो अभी हम इस बारिश में खाएंगे मैगी और ये देखिए ये चम्मच है चोकोलावा का और हम इससे खाएंगे मैगी। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, तब तक हम बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। बाय बाय। और अभी हम लोग रजौरी रह गए, हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर और रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कपड़े वगैरह पूरे गीले हो गए हुए हैं, ठंड भी लग रही है। और अगर आपने यहाँ से श्रीनगर वगैरह की भी प्लानिंग कर रहे हो आप यहाँ से जा सकते हो अगर रास्ता खुला हो, मुगल रोड क्योंकि बर्फ़ पड़ने के बाद शायद बंद हो जाता है, अगर नहीं हुआ होगा तो आप जा सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे, अभी स्टॉप पर रुके थे तो सोचा आपसे बात कर लेते हैं। तो सी यू स्टार्ट। और भाई यहाँ पर पड़ रहे हैं ओले जो कि बहुत गंदे तरीके से पड़ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लग रही है हमको। ये देखिए बर्फ जो कि बहुत खतरनाक तरीके से पड़ी हुई है, पूरा रोड वाइट हो चुका है यहाँ पे बर्फ के कारण।